हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेकोटेक्स। इस वीडियो में आज हम पैनासोनिक के वैक्यूम क्लीनर के बारे में जानेंगे। इस वैक्यूम क्लीनर का मॉडल नंबर है MC-DL201। हम देखने वाले हैं इस वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स, इसकी प्राइस और इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स आते हैं, इसे असेंबल कैसे करते हैं और साथ ही इसे ओपन करके क्लीन कैसे करें और इसके सारे अटैचमेंट यूज़ करके हम देखेंगे। साथ ही इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको इस वैक्यूम क्लीनर का फुल रिव्यू मिलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है पैनासोनिक का MC-DL201 वैक्यूम क्लीनर। ये एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है, इसके लिए आपको अलग से बैग कैरी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये 700 वॉट का है। क्लियर कंटेनर करने के लिए आपको इसमें फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ एक्सटेंशन बैंड्स भी अवेलेबल है, फ्लोर नोजल भी आएगा, साथ ही टू वे नोजल भी आएगा और एक ड्यूरेबल होज आएगा जो कि फ्लेक्सिबल होगा। इससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं और ऐसी जगह की भी साफ़ सफाई कर सकते हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है और जहाँ पर मूवमेंट रिक्वायर है। ये एक बहुत ही लाइट वेट है और ये ब्लोअर भी आपको साथ में मिलेगा। ये इसकी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है इसके बैक साइड पे। इसका MRP जैसा कि आप देख सकते हैं 3,645 है, 3,645 रुपीज़। बट मुझे ये सुपर मार्केट में 2,700 में मिला था, तो ये 2,700 और 3,000 की रेंज में आपको मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, आइटम्स हैं। तो ये फ्लोर नोजल है फ्लोर क्लीनिंग के लिए। ये इसके एक्सटेंशन पाइप है, ये प्लास्टिक पाइप से, और एक ये फ्लेक्सिबल पाइप आया है इसके साथ। इसे आप घुमा के अलग अलग जगह पे क्लीनिंग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। ये टू वे नोजल है, एक तरफ ब्रश है और एक तरफ इसको आप इस तरह से घुमाएंगे तो दूसरी तरफ ब्रश नहीं है, तो आप इस तरह से इसको नोज़ल को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको टू वे नोज़ल बोला है। तो छोटी जगह साफ़ करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल नोज़ल है और एक तरफ ब्रश होने की वजह से ये इजीली कुछ कोने की चीज़ों को साफ़ करके कचरा खींच सकता है। अब हम बात करते हैं जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन प्रोडक्ट है उसकी। तो ये हमारा पैनासोनिक का वैक्यूम क्लीनर है। इसका जो वायर है ये काफ़ी लंबा है, ये ऑन ऑफ स्विच है और ये साइड में एक स्विच है, एक बटन है जो कि इस ब्लू कलर के एरिया को ओपन करने के काम आएगा। तो ये जो ब्लू कलर का ग्लास लगा हुआ है ऊपर, इस बटन को दबा के आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको प्रेस किया है और यहाँ ऊपर से मैं इसको खींच रहा हूँ तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये अंदर का इस तरह से आपको दिखेगा, ये पाइप से यहाँ से कचरा खिंचा के और यहाँ इकट्ठा होगा। यहाँ पर कहाँ, इस ब्लू कलर के कंटेनर में। तो यहाँ से अंदर कचरा जाएगा और यहाँ पर एक फनल लगा हुआ है, एक स्पंज है और एक नेट है। इसको इस तरह से पकड़ के खींच के आप खोल सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपको पकड़ के पीछे की तरफ खींचना होगा। ये देखिए, इसमें कचरा इकट्ठा हो गया है यहाँ पर स्पंज वाले एरिया में। आप इसे इस तरह से बाहर खींच के निकाल के इसे साफ कर सकते हैं। और एक ये जो नेट है, ये भी एक तरह का कचरा अंदर ना जा पाए इसकी लेयर है। तो इससे आपको साफ़ करना बहुत इजी है और ये बैगलेस इसीलिए क्योंकि कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इस इनपुट से आके यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो जाएगा। इसे वापस लगाने के लिए आपको इसको ऐसे कैसे इसमें रख देना है और प्रेस कर देना है इस तरह से। तो ये इसमें फिट हो गया और इसको इसके ऊपर आप इस तरह से रख के और प्रेस कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा। अब हम इसमें ये अटैचमेंट्स को आगे इस तरह से लगा सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल पाइप भी लगा सकते हैं या फिर ये प्लास्टिक पाइप भी लगा सकते हैं। और ये फ्लोर नोजल लगाया और इस तरह से ये आप ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा घुमा के इधर उधर करके इस्तेमाल करना है तो आप फ्लेक्सिबल भी लगा सकते हैं। और ये छोटा वाला टू वे नोजल जो है, ये छोटे एरिया को क्लीन करने के लिए, अलमारी के कोने या फिर सोफे के नीचे, इस तरह के एरियाज क्लीन करने के लिए आपको ये काम आएगा। और अगर आपको इसे इधर उधर घुमा के क्लीन करना है तो आप ये फ्लेक्सिबल पाइप लगा के भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल पाइप में भी ये सारे अटैचमेंट्स लग जाएंगे, तो इस तरह से क्लीनिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये सब कार क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। इसका फ्लेक्सिबल पाइप और ये जो स्मॉल अटैचमेंट्स है इसके, ये सब काफ़ी यूज़फुल है। ये टू वे नोज़ल है, आप इसको इस तरह से घुमा देंगे तो बिना ब्रश के ये एक नोज़ल बन जाएगा। अगर आपको ब्रश नहीं चाहिए तो आप बिना नोज़ल के इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ब्रश वाले नोज़ल को इस तरह से घुमा के। ये आगे से हवा देता है और पीछे की तरफ से ये ब्लोवर का काम करता है। अगर आपको हवा खींचनी नहीं है, हवा फेंकनी है, हवा उड़ानी है, तो आप
पीछे की तरफ लगाइए और इसको ऑन कर दीजिए तो ये ब्लोअर का काम करेगा। ये देखिए, ये ब्लोअर हमने चालू कर दिया और ये इस तरह से हवा फेंक रहा है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए ये प्लास्टिक की चीज़ों को उड़ा दे रहा है। अब हम फ्लोर क्लीनर डायरेक्ट अटैच करके ये कचरा जो गिरा है इसको साफ करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है और ये काफ़ी चिपक के चल रहा है, तो ये क्लीनिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है। और अब हम छोटे नोज़ल लगा के इसको क्लीनिंग करेंगे। तो ये मैंने ब्रश वाला अटैचमेंट ओपन किया और अब मैं इसको ऑन करूँगा और ये कचरा साफ करूँगा। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। ये देखिए ये टेबल का एक कोना है, मैं इसको क्लीन करूँगा। तो ये बारीक ब्रश वाले नोज़ल जो है डुवे नोज़ल, इससे काफ़ी इजीली क्लीन हो जाएगा ये सब जो गिरा हुआ है। देखिए एक बार में इसने सब क्लीन कर दिया, एक बार में इतना सारा इसने कचरा खींच लिया। ये कोने पे आसानी से निकलता नहीं है, इसलिए हम इसको टू वे नोज़ल का इस्तेमाल करके ब्रश वाले से हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये कचरा उड़ा लेगा ब्रश और अपने अंदर खींच लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका वायर काफ़ी लंबा है, तो ये काफ़ी इजी है इधर से उधर मूव करने के लिए, और इसके फ्लेक्सिबल पाइप और उसके साथ मूव करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा हैंडी वैक्यूम क्लीनर है, जस्ट 1.8 केजी का है, काफ़ी हैंडी है। इसको आप कार में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको शॉप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉप्स में भी अगर आपको बहुत सारे आपके पार्टीशंस हैं शॉप्स में और आपको फ्लोर पे और पार्टीशंस के कोने पे क्लीनिंग करनी है, तो ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। अभी तक हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उम्मीद है ये वीडियो देख के आपके मन में इस वैक्यूम क्लीनर को लेकर जितने भी सवाल होंगे उन सब का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। हम इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।